हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, आज मैं अपने गार्डन में कुछ लगाने वाली हूं और मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए। तो ये अरवी है और जिसकी हम सब्ज़ी बनाकर खाते हैं, ये वही अरवी है और इसके पत्तों की भी सब्ज़ी बनती है। लोग इसे लगाना अपने घरों में पसंद करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये लग जाती है और इसमें पत्ते आते हैं और साल भर वो पत्ते बने रहते हैं। लोग इस पत्ते से अच्छी अच्छी डिश बनाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इस अरवी को लगा करके क्यों ना आप सभी से शेयर किया जाए कि अरवी को किस तरह से लगाते हैं, यही हमारी आज की इस वीडियो में है। तो अभी आप देख रहे हैं ये अरवी है, मैंने छोटे छोटे अरवी के वो लिए हुए हैं और इन्हीं को मैं आज लगाने वाली हूँ। तो किस तरह से लगाना है ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ये है हमारे गार्डन के वो पुराने लगे हुए अरवी के पत्ते जो कि मैंने लगाए हुए थे अपने गार्डन में और इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। काफ़ी सुंदर सुंदर पत्ते आए हुए हैं और अगर मैं चाहूँ तो इन्हें निकाल करके और इनकी पकौड़ी वगैरह बना सकती हूँ। मैंने इन्हें अपने गार्डन में लगाया हुआ है, अगर मुझे ज़रूरत होती है तो मैं यूज़ में लेती हूँ, नहीं तो मैं अपनी फ्रेंड्स लोगों को भी दे देती हूँ। तो इस तरह से होते हैं अरवी के पत्ते। आप चाहे तो इसे पॉट में लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। दोनों तरह से ये लगाए जाते हैं, लेकिन ज़मीन में जब ये लगते हैं, क्योंकि इनके बल्ब लगते हैं और ज़मीन में जब लगते हैं तो ये एक से अनेक होते हैं, जिस तरह से इस पॉट में हुए हैं। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और काफ़ी सुंदर पत्ते आए हुए हैं। तो आज मैंने सोचा कि इसी अरवी को लगाया जाए और आप सभी से शेयर किया जाए कि इसको किस तरह से लगाते हैं, क्योंकि कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो इन्हें बहुत ही पसंद करते हैं और पर उनको लगा नहीं पाते हैं। तो किस तरह से लगाना है यही हमारी आज की इस वीडियो में है। तो लगाने के लिए मैंने इसके छोटे छोटे अरवी लिए हुए हैं जो कि बल्ब के रूप में हैं और उन्हीं को आज मैं पॉट में लगाने वाली हूँ। और पत्ते देखिए कितने सुंदर हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं और चिकने भी हैं। इस तरह से होते हैं अरवी के पत्ते। तो चलिए, लगाना है किस में और किस मिट्टी में लगाना है ये सब है आज की हमारी इस वीडियो में है। तो मैंने इसे भी किस तरह से लगाया हुआ था और अभी कैसे लगाने वाली हूँ वही मैं बताने वाली हूँ। इसको लगाने के लिए मैंने पॉट लिया हुआ है, पॉट है मिट्टी का और मैंने ड्रेनेज होल को कवर किया हुआ है। यहाँ पर मैंने मिट्टी बनाई हुई है और ये मिट्टी बहुत ही अच्छी वेलड्रेन है। मिट्टी वेलड्रेन होगी तभी इसके बल्ब ग्रो होंगे, और अगर मिट्टी वेलड्रेन नहीं होगी, हार्ड होगी, तो जब आप पानी देंगे तो ये नीचे ही नीचे सड़कर ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए से मिट्टी का वेलड्रेन होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इन बल्ब को आप लगाएँ, यानी अरवी को लगाएँ। तो इस तरह से पॉट में मैंने कवर किया हुआ है और कवर करने के बाद में अब मैं इसमें डालूंगी मिट्टी। और मुझे आधा ही पॉट भरना है, क्योंकि जिस तरह से आधे मिट्टी नीचे और फिर बल्ब और आधे मिट्टी ऊपर हो, इस तरह से मुझे इसको भरना है। आधा ही पॉट भरने के बाद में इन बल्ब को मैं लगाऊंगी। इस तरह से मिट्टी मैंने डाल दी है पॉट में, कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से ये लग जाते हैं। अब इन बल्ब को यहाँ पर बिछा देना है। इस तरह से, और फिर ऊपर से इसमें मिट्टी डाल देनी है। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, बल्ब ज़्यादा नीचे नहीं होने चाहिए और ज़्यादा ऊपर भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो ऊपर रहने से भी ये ग्रो नहीं होंगे और ज़्यादा नीचे हो जाएंगे तो भी ये ग्रो नहीं होंगे। इस तरह से लगाते हैं अरवी को और अब ये लगकर रेडी हो गई है। कुछ ही दिनों में इसमें शूट्स आ जाएंगी, ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और जब ग्रोथ शुरू होगी तो मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। तो इसी तरह से लगाते हैं अरवी को और अब मैं इसमें डालूंगी पानी, और पानी डालने के बाद में इसे रखना है शेड में। कुछ ही दिनों में इसमें अंकुरण हो जाएगा। तो यही था लगाने का तरीका, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।